आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। हैदराबाद कांड के ऊपर राजनेताओं की आवाज कम सुनने को मिली, लेकिन पोल इंडिया के माध्यम से भारतीय राजपूत करनी सेवा के महासचिव गोपाल सिंह ने अस्पष्ट शब्दों में यही बात रखी थी, जो कि आज का परिणाम रहा। और आज भी उन्होंने जो बात कही है वो भी आपको सुनने को मिलेगा। आइए पहले करनी सेवा के महासचिव आज से कुछ दिन पहले क्या बोले थे उसको सुनिए, उसके बाद आज उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद मेनका गांधी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ऐसे पुलिसिया रवैया लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर इस तरीके से एनकाउंटर हुआ तो खुलेआम पुलिस को इजाजत दे दी जाए कि वो स्वयं न्याय कर दे, न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, बंदूक उठाए और लोगों को मारे। एक छोटा सा बयान मेनका गांधी जी का भी आया है, वो आप इसमें सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने सुनने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनोज पांडे, दिल्ली। अच्छा, आप हैदराबाद कांड पर क्या कहना चाहेंगे जिसमें पुलिस चार लोगों को अभी इनकाउंटर की है? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भगवान ने इंसाफ दिलाया उस पीड़िता को। दूसरी ये है कि जब कोई अपराधी पुलिस के गिरफ्त से भागता है तो पुलिस तो निश्चित उस अपराधी की इनकाउंटर करेगी ही करेगी, कोशिश करती है पुलिस अपने से पकड़ने का। लेकिन जब वो गिरफ्त, जैसे कि टीवी चैनल से पता चला कि उसने आक्रमण भी करने की कोशिश किया, तो उस हिसाब से तो पुलिस एनकाउंटर करेगी। उस पर पुलिस के एनकाउंटर में कहीं कोई दोष नहीं नजर आ रहा है। और रहा उस चारों के एनकाउंटर की बात, तो मैं तो थोड़ा सा सख्त कानून के मामले में थोड़ा सख्त व्यक्ति हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हर इस तरह के अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए और हर इस तरह के अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें तो कोई समझौता ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज मैं बात आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से। मुझे अच्छा लगा कि पोल इंडिया के माध्यम से सबसे पहले आवाज मैंने उठाया था हैदराबाद प्रकरण पे। और आज देखिए, पुलिस के इनकाउंटर होने से, पुलिस के इनकाउंटर करने से संपूर्ण भारत में महिलाओं के बीच एक हिम्मत बढ़ी है महिलाओं की। और मैं हैदराबाद का न्यूज देख रहा था,
वहां की महिलाएं पुलिसों पे फूल बरसा रही हैं, मिठाई खिला रही हैं और संपूर्ण भारत की महिलाएं खुश हैं, उनके अंदर का आत्मबल बढ़ा है। ये मामूली चीज मत समझिए, इस एनकाउंटर से महिलाओं का आत्मबल बढ़ा है। एक बार बताएंगे पुलिस रिफॉर्म इस देश में क्यों जरूरी है? नहीं, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, देखिए दक्षिण भारत की पुलिस और उत्तर भारत की पुलिस में अंतर है, कार्य प्रणाली में अंतर आ जाता है। दक्षिण भारत में पुलिस हमेशा लिबरल नहीं रही है, जबकि हमारे उत्तर भारत में, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में, हम देखते हैं कि पुलिस की कार्यशैली से आम जनता संतुष्ट नहीं है। एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मॉब लिंचिंग क्यों होता है? जब कानून या पुलिस प्रशासन पर से आम व्यक्ति का विश्वास उठता है तो मॉब लिंचिंग होता है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत दिनों से, वर्षों से जान रहा हूं। यह तो सामाजिक रूप से अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये विचारणीय प्रश्न है, अनंत सिलसिला जारी होगा इसका तर्क का, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कानूनी रूप से क्या यह जायज है? बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो अपराधी को सीन क्रिएट करने के लिए अपराध स्थल पर लेकर गए और वहां पर, वहां के पुलिस के बयान के मुताबिक, जो मीडिया से मुझे पता चला कि उस जगह पर उन अपराधियों ने पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश की, भागा और इन पे आक्रमण करने की कोशिश की, उस हिसाब से तो पुलिस एनकाउंटर जायज है, कहीं कोई ना जायज। और रहा, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि संपूर्ण भारत की महिलाओं में एक ही प्रतिक्रिया आई, किसी ने पुलिस प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया, सबने कहा कि अच्छा कार्य हुआ। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बलात्कारी या रेपिस्ट होते हैं वो मानसिक विकलांग भी होता है, वो आम आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति उस तरह का कार्य नहीं कर सकता है जिस तरह का विभत्स कार्य ये सब अंजाम देते हैं। तो इनका मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है, या तो पुलिस एनकाउंटर या फिर फांसी की सजा दे दीजिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फायदा क्या है अदालत की, फायदा क्या है पुलिस की, फायदा क्या है कानून की, फिर तो आप बंदूक उठाओ जिसको भी मारना। आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच।